चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 2 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। और ये सब तो हो ही गया था हम लोग का, इम्पैक्ट वाला भी कर लिया था हम लोगों ने। देख लेते हैं एक बार। देखिए, मेंशन एनी एक सेकेंड, लैपटॉप चार्ज कर। देखिए, टू मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कुछ कर भी दिया था हम लोगों ने। मेंशन एनी, ये देखो, मेंशन एनी टू इफेक्ट ऑफ द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड। ये भी हम लोगों ने कल कर लिया था। क्वेश्चन का क्या मतलब था कि अगर सोवियत आर्मी ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय फासिस्ट फोर्सेस से या फासीवादी ताकतों से जैसे आजाद कराया ईस्ट यूरोप के देशों से, तो उनका उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये हमने करा दिया था कल। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या हुआ, तो देखिए सबसे पहले सोवियत इन्वेजन इन अफगानिस्तान हुआ था। ठीक है, मतलब सोवियत या क्या कह सकते हैं, सोवियत संघ का या रूस का अफगानिस्तान में प्रवेश होता है। उसके बाद बर्लिन की दीवार गिरती है। ईयर वाइज वो डेट आपको मिल जाएगा। डिस इंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन लास्ट में होता है, और सबसे लास्ट में रशियन रेवल्यूशन होता है। एक सेकंड। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अच्छा ठीक है, इसको है ना क्या कहते हैं, सबसे पहले जो जैसे अभी रिसेंटली सबसे पहले जो हुआ वो हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, और सबसे लास्ट सबसे पहले क्या हुआ था। इसमें जैसे 1 से लेकर के 4 नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये 4 से 1 का कॉन्सेप्ट है। मतलब सबसे बाद वाले को पहले बताया गया। ठीक है, याद रखिएगा। व्हाई डिड द सोवियत सिस्टम बिकेम सो वीक एंड सोवियत इकोनॉमी स्टेगनेंट। सोवियत सिस्टम जो था इतना ज्यादा वीक क्यों हो गया, और सोवियत इकोनॉमी बिल्कुल स्थिर क्यों हो गई, मतलब कि वहां पे कोई भी तरह का विकास या डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा था। देखिए, द सोवियत सिस्टम बिकम सो वीक एंड सोवियत इकोनॉमी स्टेगनेंट बिकॉज द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल, मतलब कि परमाणु हथियार, ठीक है, और सैन्य साजो सामान को प्राप्त करने में ही खर्च कर रहे थे ये अधिकतर अपना पैसा, जो भी रिसोर्स था। एक तो ये प्रॉब्लम थी जिसके चलते इकोनॉमी वीक हो गई। दूसरा, इट कंसंट्रेटेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्ट यूरोपियन। ये अपने सैटेलाइट स्टेट जो है पूर्वी यूरोप के देशों में स्टेबलाइज करने पर ज्यादा फोकस रखा इन्होंने। ठीक है, ज्वाइन क्यों नहीं किया भाई, गुड़िया कितना गई। एक सेकंड, मैं इसको एडिट करता हूँ। छोड़ पता नहीं। देखिए, दिस लेड टू द ह्यूज यूरोपियन बर्डन ऑन पीपल कोप विद। इससे क्या हुआ कि इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बर्डन हो गया।
आप अगर मान लो कि हथियार बनाने में ही ज्यादा खर्च कर दो है ना, और अपने देश को छोड़ करके ईस्टर्न यूरोप के देशों में सेटेलाइट को स्टेबलाइज करने में या सेटेलाइट या उपग्रहों की स्थापना करने में लगे रहो, तो इससे क्या होगा, देश के जो भी विकास के काम है उस पर तो आपका कोई भी ध्यान नहीं रहेगा। और देश के विकास पर अगर आपका ध्यान ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो लोग होंगे वो आर्थिक मंदी का या इन चीजों का सामना करेंगे। ऑर्डिनरली पीपल बिकेम मोर अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट एंड द बैकवर्डनेस ऑफ सोवियत सिस्टम। देखिए, आम आदमी जो था ना, आम आदमी था, वो ये मानने लगा कि अब जो पश्चिम यूरोप के देश हैं वो हमसे ज्यादा डेवलप हैं और जो सोवियत यूनियन है या सोवियत सिस्टम है ये कम डेवलप है, या ये ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। फूड इंपोर्ट इंक्रीज एवरी ईयर, बाहर से देशों से बाहरी देशों से अनाजों का आयात हर साल किया जाने लगा, समझ रहे हैं ना। तो अनाजों के आयात करने से क्या प्रॉब्लम हुई, हम इसको ये चीज दिखाते थे कि रसिया में जो फूड ग्रेन्स था उसका बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, या कहने का मतलब है इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन के बढ़ने का मतलब, फूड इंपोर्ट के बढ़ने का मतलब ये था कि रसिया की जो प्राइमरी एक्टिविटी थी मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप थे खेती बाड़ी का काम, वो भी बहुत ज्यादा खत्म हो चुका था। द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड द सिस्टम एवरी फर्दर इवन फर्दर। अब उसके बाद क्या हुआ, 1979 में जब सोवियत यूनियन की या आप रसिया कह सकते हो, रसिया की सरकार जैसे ही अफगानिस्तान में इंटरवेन करती है, वहां की विद्रोहियों को पैसे देती है, हथियार देती है लड़ने के लिए जो भी, ठीक है, इससे क्या होता है कि और भी जो अर्थव्यवस्था बची हुई थी उसमें और भी दरार पड़ जाती है और सरकार पे उन क्या कहते हैं सैन्य गतिविधियों को या जो आर्मी की जो भी क्या कहते हैं मिशन थी उसको पूरा करने के लिए और भी ज्यादा खर्चा बढ़ने लगता है। अब देखिए, द सोवियत इकोनॉमी वॉज मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर यूएस, ठीक है। सोवियत इकोनॉमी दुनिया में यूएस को अगर छोड़ दें तो यूएस के अलावा दुनिया के और दूसरे देशों से अच्छी थी। कैसे अच्छी थी, अगर हम लोग अमेरिका से कंपेयर ना करें तो कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए, द सोवियत यूनियन बिकम ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसा कि आपको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत यूनियन क्या थी, एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी थी। पहली चीज, द सोवियत इकोनॉमी वॉज द मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फ्रॉम द यूएस। दुनिया के और देशों, अमेरिका को छोड़ के दुनिया के और किसी भी देश से सोवियत इकोनॉमी अच्छी थी, ठीक है ना। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए, इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क मतलब संचार के जो भी तंत्र थे वो ज्यादा विकसित थे। एनर्जी रिसोर्स या मतलब कि ऊर्जा के संसाधन जो थे, जिसमें ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये सारे के सारे जो थे बहुत ही ज्यादा डेवलप थे, और इतने ज्यादा रिच रिसोर्सेस या धनी संसाधनों के कारण ही जो सोवियत इकोनॉमी थी वो ज्यादा से ज्यादा दुनिया में नंबर टू की थी। डेट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरिया है ना विद एफिशिएंसी। इसके कम्युनिकेशन के जो तंत्र थे है ना, संचार के जो तंत्र थे वो इतने ज्यादा विकसित थे, रेलवे का, सड़क का, हर जगह जाल बिछा हुआ था, ठीक है, जिससे क्या होता था कि जो दूर दराज के पहाड़ी जंगलों के इलाके वो भी इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू का। इनके पास अपना घरेलू उद्योग था जो पिन से लेकर के माने कि नहीं कहते सुई से लेकर के जहाज तक हर चीज बनाते थे, इनको कोई भी चीज बाहर से मंगानी नहीं पड़ती थी। अब देखिए, इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस, ये तो बता दिया मैंने, ठीक है। देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट सब्सिडीज बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड वेलफेयर स्कीम्स। देयर वर नो अनएम्प्लॉयमेंट।
देखिए मेरे कहने का मतलब कि बेशक यहाँ पर जो भी बनने वाली चीजें थी उनका जो स्टैंडर्ड था वो रसिया में बनने वाली चीजों से कम था, सॉरी पश्चिमी देशों से, यूरोप या अमेरिका में बनने वाले देशों से ये कंपनी थोड़ा कमजोर था, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके पास और जो खासियत थी इनकी इकोनॉमी की वो अलग थी। और वो क्या थी? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, चाइल्ड केयर पे, वेलफेयर स्कीम पे ये बहुत ज्यादा खर्च करते थे, और वो यही इनका फोकस का एरिया था। यहाँ पे किसी तरह की बेरोजगारी नहीं थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सोवियत इकोनॉमी अमेरिका को अगर छोड़ दें तो विश्व विश्व में दूसरे देशों से आगे थी। ये पैराग्राफ वाला तो भाई देखिए इंग्लिश में मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, और आप भी हिंदी में जब मैं आप कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा तभी आप पढ़ लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन, व्हाई डिड द सोवियत सिस्टम बिकम सो वीक एंड सोवियत इकोनॉमी स्टैग्नेंट। ये तो कर लिया ना मैंने, फिर इसको क्यों करना? अच्छा दो बार, सॉरी पेज दो बार आ गया था। द सोवियत इकोनॉमी वाज मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, टॉपिक ए हमारा कंप्लीट हो गया। टॉपिक ए क्या था देख लीजिए, टॉपिक द सोवियत सिस्टम, टॉपिक ए क्या था हमारा? द सोवियत सिस्टम। इससे मैं प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चन थे उन्होंने डिस्कस कर लिए। अब टॉपिक टू पे चलते हैं। टॉपिक टू क्या है? गोरबाचेव एंड डिज इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सोवियत यूनियन का या सोवियत संघ का किस तरह से विकेंद्रीकरण हुआ, विघटन, इसको हिंदी में कहते हैं सोवियत संघ का विघटन, और गोरबाचेव का नेतृत्व, गोरबाचेव के नेतृत्व में सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, इसके क्या परिणाम निकले, ये सारी बातें हमें देखनी। ऑब्जेक्टिव पहले देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड गोरबाचेव नॉट प्रॉमिस टू रिफॉर्म, इनमें से किस चीज के बारे में गोरबाचेव ने प्रॉमिस नहीं किया था कि हम इसको सुधारेंगे, वो क्या था? टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने हमेशा कहा था कि क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को या जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको ढीला करेगा, किया जाएगा, है ना, पश्चिमी देशों की को पकड़ के रखा जाएगा, मतलब उसके साथ क्लोज रिलेशन बना के रखा जाएगा, इकोनॉमी में रिफॉर्म लाए जाएंगे, लेकिन कभी भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ये सब नहीं होगा। सरकार किसी भी तरह से कड़क नियंत्रण जो रखती थी उसको धीरे धीरे खत्म करेगी, उसका कोई मतलब। मिखाइल गोरबाचेव वॉज इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन किस ईयर में हुए थे भाई? तो 1985 में, याद रखिएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिज इंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, सोवियत संघ के विघटन का इनमें से कौन सा परिणाम नहीं था? तो क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट मतलब की जो क्या कहते हैं मध्य पूर्व जो है हमारा एशिया का, जैसे अरेबियन कंट्री जहां पर भी है, ईरान, इराक, कुवैत, ये सब, तो वहां पर जो भी युद्ध हुए या जो भी संकट के दौर आया, क्या वो सोवियत संघ के विघटन के चलते आया? ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, देखते हैं। देख उसके बाद हम देख सकते हैं द पीपल इन द इंटायर यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू सपोर्टेड इन फेवर देयर ऑन गवर्नमेंट एंड सोवियत पर कंट्रोल। ये इसमें स्टेटमेंट को सही है, इसको गलत है, इसको सही करना है।
ये सब क्वेश्चन तो रहने ही दो, फिर अब देखते हैं। इन डैश द रशियन पार्लियामेंट है ना डिक्लेयर्स इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। रशियन गवर्नमेंट ने सोवियत यूनियन से अपनी आजादी की घोषणा कब की? 1990 में की, 1990 में। मिखाइल गोरबाचेव अपॉइंटेड डैश एज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को। मिखाइल गोरबाचेव ने किसे मॉस्को में अपना क्या कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बनाया था? किसको बनाया था? बोरिस एल्सटीन को। ठीक है, डैश पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियन पॉलिटिकल सिस्टम। कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां पे सोवियत यूनियन में या सोवियत संघ में सबसे अधिक किसका दबदबा था, किस एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी का राज था? कम्युनिस्ट पार्टी का, आप लोगों को पता ही है, साम्यवादी दल जिसको कहते हैं। डैश इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर इन 1985। डैश इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर इन 1985। मिखाइल गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव जो थे उन्होंने 1985 में क्या किया, यूएसएसआर में रिफॉर्म्स लेकर के। ठीक है, हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985? मिखाइल गोरबाचेव, पहले भी क्वेश्चन आ रखा है कि जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी का कौन था 1985 में? मिखाइल गोरबाचेव था। देखिए, हाउ मेनी कंट्रीज वर द सोवियत यूनियन डिवाइडेड इनटू, कितनी कंट्री सोवियत यूनियन में डिवाइडेड थी? हाउ मेनी कंट्रीज वर द सोवियत यूनियन डिवाइडेड इनटू, देखिए सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक डिवाइडेड इनटू 15 इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है, और यूनियंस इन 1991। मैंने आपको क्या कहा था कि 15 स्वतंत्र देशों के मिलने से पूरा का पूरा सोवियत यूनियन बना था। When did the military coup, इसको कू पढ़ते हैं, मतलब षड्यंत्र, टेक प्लेस इन यूएसएसआर? रशिया में सैन्य षड्यंत्र कब हुए और इसको किसने सपोर्ट किया था? अ कू टू प्लेस इन 1991, 1991 में, 1991 में ये सैन्य षड्यंत्र हुआ था और इसमें इसको कम्युनिस्ट पार्टी ने बढ़ावा दिया था। ठीक है, How was the US benefited by the Soviet disintegration? Soviet Union के disintegration या विघटन से रसिया कैसे फायदा, रसिया को सॉरी अमेरिका को क्या फायदा हुआ? तो अमेरिका को क्या फायदा हुआ, कोल्ड वार समाप्त हो गया और यूएस जो था अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बन के रह गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा प्रभाव में रही और इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब कि कहने का मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या विश्व स्तर पे पहचान मिली और ज्यादा सफल हुई। उसके बाद तीसरा देख सकते हैं, इट सिग्निफाइज द कोलैप्स ऑफ द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशलिज्म एंड द कैपिटलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, समाजवाद और पूंजीवाद के बीच की विचारधारा में होने वाले संघर्ष का भी समाप्ति हो गई और ये मान लिया गया कि जो पूंजीवाद है वही ज्यादा श्रेष्ठ है। देखिए, मेंशन एनी टू रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। देखो, इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आप लोगों का, तीन क्वेश्चन मेन है इस टॉपिक में, टॉपिक टू की बात कर रहा हूं, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ है ना, डिज इंटीग्रेशन ऑफ काउजेस और रीजंस ऑफ डिज इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत, पहली बात तो ये। दूसरा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिज इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, मतलब कि सोवियत संघ के, ठीक है ना, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले, क्या रिजल्ट हुआ उसका, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। तो पहले रीजन को देखो आप, देखिए, द रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर वर इंटरनल वीकनेसेस और द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। वहां पे आंतरिक कमजोरियां थी, ठीक है, वहां पे राजनीतिक और आर्थिक जो इंस्टीट्यूशन थे या संस्थाएं थी वो बहुत कमजोर थी। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, मतलब आर्थिक मंदी की स्थिति थी और कंज्यूमर शॉर्टेज था, मतलब कि कंज्यूमर जो थे वहां पर बहुत ही कम थे, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज थी, सॉरी। रैम्पेंट करप्शन एंड द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स,
यहाँ पर इतना ज्यादा करप्शन था कि जो भी इस सिस्टम में खामियां थी उनको करेक्ट करना और मिस्टेक को खत्म करना वो पॉसिबल नहीं था। द कम्युनिस्ट हैज बिकम वेरी अथॉरिटेरियन एंड ब्यूरोक्रेटिक। जो कम्युनिस्ट लोग होते थे या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो रशिया की यूएसएसआर की, वो ज्यादा अधिकारितावादी थे और नौकरशाही थे, नौकरशाह में का ही दबदबा था वहां पे ब्यूरोक्रेट्स का। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर ऑफ सोवर्जिनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक इंक्लूडिंग रशिया एंड द देखो इसमें क्या था कि रसिया और साथ ही साथ जो 15 रसिया के साथ साथ जो और 15 देश थे मिलकर के जिन्होंने यूएसएसआर बनाया था, वहां पर राष्ट्रवाद की भावना जागी, देशभक्ति की भावना जागी और वो चाहते थे कि हम एक गुट में शामिल यूएसएसआर के अंदर मिलकर ना रहे बल्कि एक अलग स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते, मूड नहीं करा, कल पढ़ाएंगे आप लोग को।